बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर हुआ हूँ। इसकी काफी मतलब मेरे पास क्वायरीज आ रही थी कि भाई उसका जरा टेक्निकल बता दें। ये जब से उस वक्त समझे इसमें वॉलेटिलिटी बहुत आई है, जब से तकरीबन आई थिंक मिड ऑफ फरवरी में इसमें जो है एक न्यूज आई थी कि ये किया जो अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है, जो पहले भी इसका शेयर जोर था किया का, तो वो ट्रक जो है असेंबलिंग या हो रही थी, दीवान फारूक मोटर उसकी असेंबलिंग कर रहा था। तो फिर ये अब दोबारा ये इसके बाद ये जो है वो हॉल्ट हो गई थी प्रोडक्शन। अब ये फिर ये 16 फरवरी, आई थिंक 16 फरवरी मिड ऑफ फरवरी में 2024 में न्यूज आई थी। तो इसके बाद से इसमें हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी, अप डाउन होता रहा। यहाँ पे चैनल पे इस चैनल पे यहाँ पे ये वाला चैनल मैं आपको बता दूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बना देता हूँ, ये वाला एक ये चैनल ठीक है, और एक ये मैं बना दू, ये एक चैनल बता दिया मैंने, 13 रुपए से लेके 19 रुपए में ये काम करता रहा। यहाँ पे देखेंगे काफी इसमें वॉलेटिलिटी रही यहाँ पे ये ठीक है। और एक एक चैनल छोटा सा यहाँ पे 9 रुपए 80 पैसे, ये छोटा सा था इसका, समझे ये कि एरिया ऑफ वैल्यू था ठीक है। तो बहरहाल हम इसी को कंसिडर करेंगे, मंथली गए तो हम मंथली पे ही लेंगे इसको। ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब समझे 2-3 महीने के लिए, आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5 महीने के लिए इधर आया था। इसके बाद ये यहाँ कंसोलिडेशन इसकी यहाँ पे चलती रही है। अच्छा, मेजर जो मैं आपको बता रहा था, जो रेजिस्टेंस मैंने पहले से बना कर रखा ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहे, ज्यादा लंबी ना हो, तो ये मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी, जिसमें से ये दो एक तरह से समझे एक मेजर थी ठीक है, ट्रेंड लाइन थी, जिसको आपकी इस मंथ में भी इसको ब्रेक कर दिया है ठीक है। उसकी जो मैं आपको बताऊं तो ब्रेकआउट एरिया जो है ट्रेंड लाइन का वो ये है, ये वाला एरिया है 41 रुपए 45 पैसे ठीक है। और इस वाले का जो था, मैं हॉरिजॉन्टली बता रहा हूँ ठीक है, यहाँ पे इस वाले का जो था वो 31 रुपए 15 पैसे था ठीक है। तो इसको ये ब्रेक कर चुका है दोनों को। और अगर हम ये डायगोनली भी देखें तो यहाँ इसको हॉरिजॉन्टल, ये डायगोनली जो चल रहा था ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल बना है, लेकिन डायगोनली है ये रेजिस्टेंस जो है, तो इन दोनों को इसने ये ब्रेक किया है। अब मैं आपको जो है इसका जो है हॉरिजॉन्टल बताता हूँ एक्चुअली क्या बनता है। ये तो मैंने आपको डायगोनली था उसको हॉरिजॉन्टल करके बताया था ठीक है। हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें तो ये इस वक्त ये वाला एरिया जो था, मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सपेंड करके बता दूं, ये वाला एरिया, ये मैं इसकी लाइन ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये देखें बेरिश कैंडल बनी थी, फिर बुलिश कैंडल ने इसको निगेट किया था, तो ये इसका ये क्लोजिंग रेट जो था ये इसका सपोर्ट एरिया बन गया था ठीक है। इसको मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ ठीक है, ये कलर दे देता हूँ, 28 रुपए 19 पैसे ठीक है। अब आप देखें यहाँ से इसने लिया कि क्लोजिंगली इसी को यहाँ दोबारा से इसी ट्रेंड लाइन को इसने रिटेस्ट किया, फिर इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाई 46 रुपए 72 पैसे के अराउंड, फिर वापस ये नीचे आया, इसी को ट्रेंड लाइन को काफी रिजेस्ट किया, यहाँ पे भी रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी रिटेस्ट किया, फिर इसके सेकेंड मंथ में तकरीबन 2018 अक्टूबर का जो महीना था इसको इसने ये ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद फिर ये सेकेंड जो है सपोर्ट लाइन जो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई थी वो ये वाला एरिया है 14 रुपए 27 पैसे 20 पैसे 27 पैसे 25 पैसे, ये वाला 14 रुपए का जो है ना 14 से 15 के दरमियान ये एरिया था, इसको भी रिटेस्ट किया, फिर इसी के चैनल के अंदर थोड़ा सा ये इसने कंसोलिडेशन की, फिर इसको भी ब्रेक किया। वो ब्रेकिंग एरिया भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, ये डायगोनली चल रहा है लेकिन उसको मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली करके बता रहा हूँ, ये वाला एरिया जो है 15 रुपए 29 पैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया था 15 रुपए 29 पैसे, क्योंकि सेकेंड जो सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी, उसको भी ब्रेक किया था। तो अब इसी को देखें, इसने रिटेस्ट भी किया था 1 जुलाई जो था, जुलाई का जो महीना था 2021 का, उसमें इसने रिटेस्ट किया था और ये बहुत बड़ी हमने रिजेक्शन देखी थी, फिर इस वक्त ये नीचे आया। इसके बाद से फिर ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, देखें यहाँ पे ये इसी के ऊपर रिजेक्शन आती रही है, 19 रुपए भी गया ठीक है। तो ये सारे रिजेक्शन लेवल इसी के 15 रुपए 30 पैसे के ऊपर रिजेक्शन ही आती रही है, या सेलिंग आपने देखें विटनेस की है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने मुस्तकिल जो है, भले इसको भी ले लें 8 महीने के मुस्तकिल जो है ये रिजेक्शन में रहा है, 15 रुपए 30 पैसे पे यहाँ रिजेक्शन आती है। थोड़ा ऊपर भी गया है, 16 रुपए भी गया है, इवन 19 रुपए भी गया है, लेकिन ये नीचे आया 13 रुपए के अराउंड, फिर इसने यहाँ पे ये इसकी नेक लाइन सपोर्ट थी इस वाले कैंडल की, यहाँ सपोर्ट ली है ठीक है ना। वैसे तो अब देखे तो उसने लो भी किया था 12 रुपए 70 पैसे का, लेकिन इसकी अपसाइड क्लोजिंग दी 13 रुपए 4 पैसे के ऊपर ही क्लोजिंग आई, तो ये एक इसका अच्छा सपोर्ट एरिया था। इसको मैं ग्रीन दे देता हूँ कलर,
ये एरिया एक अच्छा सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा था, तो ये 15 रुपए था, ठीक है ना? ठीक है, ये एक तरह से समझ ली, ये इसका एरिया ऑफ वैल्यू यहाँ का नीचे की तरफ, तो ये एरिया ऑफ वैल्यू था। और मैंने अपने क्लाइंट को तो बहरहाल क्लब कॉल दी थी जब ये ल्यूज आई थी, तो फिर इसने 15 रुपये रिटेस्ट किया था, और इवन 14 रुपये 70 पैसे यहाँ पे भी इसने ये 14 रुपये 50 पैसे का बल्कि लो गया था, 14.50 का। फिर यहाँ से ये अपसाइड मूवमेंट दिखाई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 15 रुपये की कॉल सक्सेसफुल हुई, और उसके बाद उसने अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट यहाँ से दिखाई है। अगर अब मैं आपके साथ ये शेयर करूँ, जब ये नीचे आ रहा था तो काफी ये समझे वॉलेटाइल रहा, कंसोलिडेशन यहाँ पे काफी रही, ऊपर नीचे मंथली के हिसाब से देखें तो जैसे ही उसने ये फर्स्ट जो ट्रेंड लाइन थी सपोर्ट की उसको ब्रेक किया, तो फिर सेकंड ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो यहाँ इतनी आपको कंसोलिडेशन और वॉलेटिलिटी नजर नहीं है। फिर उसके बाद ये नीचे यहाँ पे ये इसने ये यहाँ के बॉटम बनाया इस एरिया की तरफ, 3 रुपये 54 पैसे 50 पैसे, ये एरिया जो था ये इसका सपोर्ट एरिया जो है बन चुका था। उसने इसको ये कई कई दफा रिटेस्ट किया, और ये एक इसने फिर यहाँ पे अपना चैनल फॉर्म किया 8 रुपये 14 पैसे से लेके 3 रुपये 54 पैसे तक, ये मंथली इसका चैनल रहा। फिर इसने देखें ये इसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया अक्टूबर 22, 2022, फिर इसके बाद इसने ये चैनल नया बनाया, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था, ये चैनल बनाया, फिर ये चैनल बना, ये मुख्तलिफ चैनल पे कंसोलिडेशन इसकी काफी रही है। तो अब जो है जाहिर सी बात है इसकी वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा हुई है, उसकी वजह ये है कि कंसोलिडेशन देखें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बहुत ज्यादा रही है, फिर एक थोड़ा सा एक अरसा यहाँ पर भी कंसोलिडेशन रही, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन रही, और ये फिर इसने जो हॉरिजॉन्टल जो था इसका 1991 पैसे का, ये 20 रुपये समझ लें रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया। अब इसके ब्रेक करने के बाद जो है इसने अब अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है, जो अब जो समझ ले 46 रुपये 72 पैसे का, ये जिस मैंने देखा ना बीटी ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, ये मंथली का ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री पे आ गया है, और उम्मीद है कि हो सकता है कि अगर इसको रिजेक्शन हो सकती है यहाँ पे, देखें यहाँ पे भी जैसे रिजेक्शन मिली, लेकिन इसी तरह की रिजेक्शन होगी कि नेक्स्ट जो कैंडल इसी के ऊपर बनेगी और अपसाइड मूवमेंट हम देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसके साथ और भी शेयर कर लूं कि एक तो ये हवाले से लॉन्चिंग के हवाले से इसकी शेयर जोर की, दूसरा इसकी एक और भी न्यूज आई थी BMW i5 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी इसने इम्पोर्ट की है, इम्पोर्ट हो चुकी है, इम्पोर्ट कर नहीं रहा है, इसकी भी न्यूज आई थी। BMW की जो है मोटरसाइकिल जो हैवी बाइक है वो भी उसने इम्पोर्ट की है, तो उसकी भी अगर अच्छी मटी इन्फॉर्मेशन आती है कि उसकी मार्केट अच्छी है और उसकी जो है सेल अच्छी है, सेल में इजाफा होता है वो इंक्लूडिंग शेजोर, शेजोर तो आपको पता है एक समझे मीडियम कमर्शियल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर फ्रेट, अगर आपको फ्रेट के लिए चाहिए फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट उसके लिए जो है बहुत बेहतरीन है। एक तो छोटी जॉब देख रहे सुजुकी डाला आती थी, फिर एक मजदा बहुत बड़ा आ जाता था वो ट्रक आ जाता था, तो ये उसके बीच का एक उन्होंने निकाला था, और उसकी मकबूलियत बहुत रही है, स्पेशल फर्नीचर वर्नीचर में शिफ्टिंग में ये बड़ा काम आता रहा है, तो इसकी मकबूलियत है और इसकी डिमांड भी है, तो हो सकता है इसकी भी सेल में इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट अगर आती है तो फिर ये अपसाइड मूवमेंट और मजीद दिखा सकता है। अच्छा, इसके हवाले से मैं आपको टेक्निकली ये तो मैं बता रहा हूँ खाली, तो जो एरिया इसने ब्रेक किए हैं तो ये अपर अपर की तरफ ऊपर की तरफ जो अपर साइड पे जो है ये जिसको हम अभी इस वक्त जो है ये तो पहले मेजर नहीं थी, लेकिन अभी इस जो ये जो साइकिल चला है उसका ये मेजर रेजिस्टेंस ये एरिया था। मैं डायगोनली को डायगोनली जो है रेजिस्टेंस है उसको मैं एक यहाँ पे लाइन बना के हॉरिजॉन्टल बता देता हूँ 41 रुपये 78 पैसे, ये एक एरिया जो है ये इसको सस्टेन करना चाहिए। 41 रुपये 78 पैसे का एरिया सस्टेन करता है, जैसे फॉर सपोज जैसे यहाँ पे एक विक बनी थी, जिस तरह ये मैंने पहले ही बताया था कि हॉरिजॉन्टली ये इसकी नेक लाइन सपोर्ट थी, ठीक है, और इसको इसने रिटेस्ट भी किया था 18 रुपये 28 रुपये 19 पैसे को मई के महीने में, जो 28 रुपये जब ये ऊपर की तरफ अपनी मूवमेंट दिखा रहा, तो इसने जिस तरह मैं बता रहा हूँ मूवमेंट दिखा रहा, जिस तरह हो सकता है यहाँ पे भी नीचे पे कोई यहाँ पे एक विक बने इस तरफ या इस तरफ, इस पर यहाँ पर भी आ सकती है विक, या ये रिटेस्ट अगर ये दोबारा लेवल जो मैंने बताया 36 रुपये 56 पैसे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पे भी एक ये बना देता हूँ, इसको भी ये रिटेस्ट कर सकता है, ठीक है, 36 रुपये 35 पैसे से लेके 41 रुपये 78 पैसे तक, ठीक है, ये एक एरिया ऑफ वैल्यू होगा यहाँ पर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ वैल्यू, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ वैल्यू, ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ,
ताकि आपको सपोर्ट एरिया आपको मिल जाए कि भाई एरिया ऑफ वैल्यू जो है सपोर्ट का वो ये है, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो है ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी के चैनल में चल रहा है इस वक्त जो, अगर मैं आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो मैंने आपको बताया ना ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी है वो 35 रुपए 22 पैसे से लेके 46 रुपए 72 पैसे तक है, ये इसमें एंटर हो चुका है और बहुत समझे बुलिश कैंडल के साथ एंटर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा ना कंसोलिडेशन काफी पहले देखी है नीचे आने से पहले, इस एरिया में ये काफी कंसोलिडेट करता रहा कई महीने महीने तक, और फिर इसके बाद जो फिर ये ब्रेकआउट हुआ इसका, और ये देखे ना इसके बाद रिटेस्ट किया, फिर इस दोबारा से रिटेस्ट नहीं किया, वो महीना था जून 2018, जो हाँ जून 2018 का वो था, इसके बाद जो फिर इसने इसको रिटेस्ट किया था रिजेक्शन के साथ, लेकिन फिर वो 28 पे सपोर्ट लिया ऊपर गया। ये था अप्रैल 2024 का महीना, जो है अप्रैल का महीना था 2024 का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, तो 35 रुपए 22 पैसे, ठीक है। यहाँ पे कोई वीक ऑब्वियसली वीक यहाँ पे इसके नीचे भी कोई वीक बन सकती, जरूरी नहीं है कि प्राइस सेक्शन हो। तो ये एरियाज जो है एक तो समझे आपके ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, ठीक है, जिसमें ना एरिया ऑफ वैल्यू भी है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से तो थोड़ा यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, थोड़ा सा अगर नीचे आता है 41 रुपए 78 पैसे 80 पैसे तो यहाँ एंट्री लेनी चाहिए फॉर फर्दर अपसाइड, क्योंकि न्यूज इस पर अच्छी है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये आने वाले दिनों में ये जो रिजेक्शन एरिया था इसको भी ब्रेक कर सकता है, ये वाला, ठीक है, इसको भी ब्रेक कर सकता है 58 रुपए 82 पैसे, और यहाँ पे रिजेक्शन भी आ सकती है ऑब्वियसली जिस तरह पहले भी आई है। तो ये जिस तरह कहते हैं मंथली का एक डबल टॉप भी हो सकता है इधर, और इसके बाद ये हो सकता है नीचे आए और फिर हो सकता है कोई अगर मूवमेंट हो। लेकिन अभी फिलहाल देखें एक चीज, कोई स्पेशली केसी में 100 में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर लेवल अपर की तरफ ब्रीच होते जा रहे हैं, ब्रेक होते जा रहे हैं, तो हम अपर लेवल फिलहाल मेंशन करेंगे, लेकिन उसके नीचे जो थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे लेवल है वो हम मेंशन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया अभी फिलहाल ये 36 35 41 78 तक ही नजर आ रहा है, इससे नीचे अभी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। मैं मंथली बेस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और अपसाइड पे जो है ये इसको रिटेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसके ब्रेकआउट के बाद क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अब वो हम उसको फिबोनाची की मदद से लेंगे। मैं ये थोड़ा सा ये रहने देता हूँ, बाकी ये रिमूव कर देता हूँ सारे एरिया जो है, मैंने आपको बता दिया आप देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन को ना, ये भी मैं हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ जो ट्रेंड लाइन बनाई थी खाली आपको समझाने के लिए, ये भी रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये लेवल में सारे हटा देता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो, ठीक। अब हम लेंगे डेली चार्ट की मदद से, हम अभी यहाँ प्लॉट करेंगे फिबोनाची, ठीक है। अब हम यहां से लेंगे, इसका हाई था ये हम लेंगे इसको फिबोनाची यहाँ प्लॉट करेंगे, ठीक है, ये हाई साइड वाला एरिया था, ठीक है, फिर इसने यहाँ पे ये लो किया, ठीक है, इसी को हम लेंगे 28 रुपए 19 पैसे का ही लेंगे, 28 रुपए 20 पैसे 19 पैसे जो भी है यहां से लेंगे, ठीक है। अब इसको देखें ये वाला एरिया जो है इसका, अब ये 40 रुपए 45 पैसे, मतलब 40 रुपए 45 पैसे 36 रुपए तक, ये डेली पे अब ये इस वक्त ये अच्छा सपोर्ट एरिया है, नीचे को इसके नीचे विक भी बन सकती है ऑब्वियसली 40 रुपए 34 पैसे के नीचे, ठीक है, यहाँ पे भी बन सकती है 38 रुपए 70 पैसे पे विक बन सकती है, और यहाँ पे भी दोबारा इसको रिटेस्ट कर सकता है 35 रुपए 70 पैसे जो पहले रेजिस्टेंस एरिया था इसका, जहां से हमने इसको फिबोनाची को प्लॉट किया है, ठीक है। अब और थोड़ा अगर हायर साइड पे जाए, ठीक है, तो कहां तक जा सकता है ये मैं आपको बता रहा हूं। अब हम यहां से लेंगे 48 रुपए, ठीक है, एक ये अब ये फिबोनाची प्लॉट किया है, ठीक है, वो आपको एक डिफरेंट आपको लेवल बताएगा, जो मैंने लेवल बताया वो भी है, यहाँ पे भी देखें अब यहाँ पे भी रिजेक्शन या इसका ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर ये देख सकते हैं हम लेवल आने वाले दिनों में 48 रुपए, फिर 55 रुपए 60 पैसे, और फिर उसके बाद 60 रुपए 25 पैसे 20 पैसे 19 पैसे, ये एरियाज जो है इस वक्त फिबोनाची के साथ, इसको थोड़ा सा ये नीचे कर दूं ये एरियाज, ठीक है। तो इसमें आप ऊपर साइड पे विक बन सकती है, इसके बीच में यहाँ पे भी बन सकती है, 55 रुपए 52 पैसे लिखा है तो 57 तक भी आ सकता है, यहाँ पे जैसे 60 लिखा है तो 62 63 रुपए भी जा सकता है। तो अभी फिलहाल तो यही, अभी अपसाइड पे तो फिलहाल यही लेवल नजर आ रहा है, इसके ब्रेक के बाद
सी बात है, करेक्शन तो लेगा जिस तरह यहाँ लिया है डेली बेस पे। तो फिर उसके बाद फिर हम इसी को फिबोनाची को हम प्लॉट करके फिर इसके आगे के लेवल हम निकाल सकते हैं कि भाई आगे लेवल कौन से रिटेस्ट हो सकते हैं ब्रेकआउट के बाद। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।